गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वी इन प्रीवियस पीरियड वी स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 10 मोर अबाउट ऑफ वाटर. ओके गाइज, प्रीवियस पीरियड वी स्टडी दोज वाटर एज प्योर. इट हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल. ओके, एंड प्रीवियस पीरियड वी ऑल्सो लर्न इट. ट्रांसपेरेंट मीन्स those substance we can see through, it is called to the transparent. Occupy, if you can't see this throughout this substance, it is called to the occupy. These are new terms, so you understand. Then after, in previous period I studied a small experiment. Opaque substance we can't see the other side of the articles or objects. Okay, I hope you try this the experiment at your home. Okay guys, wait, then your second object is you hold a empty glass in front of the candle. We see the candle very clearly. Then after, you fill up the water, half water of the glass. You only see those glass are empty, that part you can see the candle clearly, but the half water of the glass, the candle image we can't see the properly. Okay, pure water's qualities are has no color, has no smell, has no taste, and it is a transparent. जो प्योर वाटर होता है, जो शुद्ध पानी होता है गाइस, उसको कलर नहीं आता, उसको स्मेल नहीं आती, देन आफ्टर उसको टेस्ट भी नहीं होती, और वो ट्रांसपेरेंट होता है. ये भी हमने प्रीवियस पीरियड में पढ़ा. देन आफ्टर, हमने प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला कि जो वाटर होता है उसको अपना खुद का ओन स्पेस नहीं है, ओन शेप नहीं है. दोज मेटेंसिल वी फिल अप दैट पॉट्स गेट द दे आर द शेप. जिसमें आपने पानी डाला, जिस पॉट में, पैन्स में आपने डाला वाटर को, उसको उसी का ही शेप मिलता है. ये भी हमने प्रीवियस पीरियड में देखा. ओके गाइस, नाउ वी स्टडीड इन द नेक्स्ट. ओके गाइस, वेट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूज योर ब्रेन पावर. ओके गाइस, वी कैन सी द बटन ऑफ द बॉटम ऑफ द पूल ऑफ द वॉटर ओनली इफ द वॉटर इज क्लीन बाय. कोई भी पूल रहा या फिर कोई भी टैंक रहा, समझो आपके घर में अगर वाटर टैंक रहा, तो उसको उसका जो नीचे का बॉटम, जो नीचे का तल रहता, वो आपको उसके अंदर अगर वाटर क्लीन रहा तो ही दिखता. अगर आपका कोई सब्सटेंस उसके अंदर गिरा, अगर उसके ऊपर का पानी जो है, उसके अंदर जो आपने पानी फिलअप किया हुआ है, अगर वो पानी क्लीन ट्रांसपेरेंट रहा, तो ही आपको उसके नीचे की जो चीज़ें रहती वो क्लियरली दिखती. रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि जो वाटर आता है हमारे घर में टैप के ज़रिए, या हम लोग वेल से वगैरह पानी भरते हैं, तो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में वाटर जो है वो मडी कलर का आता है. और उस समय उसी पूल का या उसी वाटर टैंक का जो बॉटम है वो हमको नहीं दिखता, या फिर उसके अंदर कोई चीज़ गिरी, या फिर हमारा जग वगैरह, मग वगैरह गिरा, तो हमको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होता. ओके, इसका रीज़न यही है क्योंकि जो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है उसी के अंदर हम लोग हमारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमको वो चीज़ें दिख सकती. ओके, सेकंड, वाइल्ड कैरिंग ऑफ द बकेट. जब हम पानी को भरते हैं, वाइल्ड कैरिंग अ बकेट ऑफ द वाटर डाउन अ स्लोप, द बकेट फेल्ट एंड द वाटर वॉज स्पिल्ड. विल द वाटर फ्रॉम अ हिप और विल इट द फ्लो अवे. जब भी हम लोग बकेट भर के, जब हम लोग उसको वाटर डाउन अ स्लोप, जब बकेट भर पानी, जो स्लोप पे अगर वो पानी हमारा गिरता है ऊंचाई पर, या फिर इस पर ही ऊंचाई पे टिकड़ी पर गिरने के बाद, वो पानी हमेशा क्या, उस पानी को क्या होता है, या फिर वो पानी फ्लो के नीचे क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये है कि वाटर जो है वो हमेशा अपर टू डाउन, मतलब हाई साइड टू लोअर साइड वो फ्लो होता है. ये वाटर की क्वालिटी है. ओके, इट्स फ्लो डाउन ऑफ द स्लोप. ये भी हमने प्रीवियस पीरियड में पढ़ा था. नाउ द थ्री स्टेट ऑफ द वाटर. देखिए स्टूडेंट, अभी स्टेट का मतलब है उसकी स्थिति क्या है. ओके,
there are three state of subject, okay, solid, liquid and gases, okay. सॉलिड का मतलब होता है जिस चीज़ को स्पेसिफिक शेप होता है, जो चीज़ हम लोग इजीली कैरी करके, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं, जिसको पर्टिकुलर शेप होता है, इट इज़ कॉल्ड टू द सॉलिड शेप. ओके गाइज, लाइक दैट इज द ऑयल बॉटल. ओके, अभी ये जो ऑयल बॉटल है इसको मैं इजीली कैरी कर सकती, इधर से उधर कहीं पर भी लेके जा सकती. तो ये जो बॉटल है इसका शेप होता है सॉलिड शेप. ओके गाइज, देन आफ्टर यही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये क्रीम है तो इसका भी शेप जो है वो है सॉलिड, क्योंकि ये पर्टिकुलर शेप है, मैं इसको इजिली थ्रो कर सकती, कैच कर सकती, कुछ भी कर सकती. तो जो सॉलिड स्टेट की चीज़ें होती है उनका शेप एज यूजुअल रहता है, उनका शेप चेंज नहीं होना. और सॉलिड चीज़ें हम लोग इजिली हैंडल कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं. ओके गाइज, सेकंड स्टेट होता है गैसेस स्टेट. गैस स्टेट का मतलब होता है जिसको मराठी में हम लोग बोलते हैं वायु रूप, जो हमको फील होता है लेकिन हमको दिखता नहीं है. ओके, जिसके अंदर के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो पूरे स्प्रेड रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर पे मम्मा रहती है तो आपकी मम्मा रोज़ सुबह गॉड की पूजा करती है, गॉड की वर्शिप करती है, तो उस समय मम्मी कपूर या अगरबत्ती घर में लगाती है. वो लगाती है मंदिर घर में, जहाँ पे भी आपके घर का मंदिर होगा. खास करके मैक्सिमम लोगों के घर में मंदिर जो होता है वो किचन में होता है. अगर आप स्टडी कर रहे हैं सामने के हॉल में, तो भी आपको कुछ समय के बाद में अगरबत्ती की स्मेल जो है सामने के रूम में आती है. क्यों आती है? बिकॉज द उसका जो अगरबत्ती जो है उसके जो फ्रिक्वेंस है वो पूरे एयर में मिक्स होके वो पूरे फ्लो होकर आप तक आए. ओके, तो उसकी स्मेल आपको महसूस हो रही है लेकिन आपको दिखती क्या? नो. उसी तरह से एयर जो है वो आपको फील होती है. जब आपका घर में पंखा शुरू रहता है तो आपके बाल हिलते, आपको ठंडा फील करता है, उस समय एयर होती है. एयर जो होती है वो गैसेस स्टेट में होती है, वो आप उसको फील कर सकते हैं बट वी कांट सी. ओके, देन आफ्टर सेकंड स्टेट है वाटर की, वो है सॉरी सब्सटेंस की. थर्ड स्टेट होती है वो होती है लिक्विड फॉर्म. ओके, जो चीज़ें पतली होती है, फॉर एग्जांपल मिल्क, टी, जूस, ऑयल, वाटर, जो जिनको अपना पर्टिकुलर डिफाइंड शेप नहीं होता. ओके, फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे हाथ में, समझो ये मैंने वाटर लिया, ये मेरे हाथ में वाटर है. अभी इस वाटर को पर्टिकुलर शेप नहीं, जिसमें भी मैं डालूँ उसको वो शेप. अभी ये मेरे फिलहाल प्लाम में है तो मेरे प्लाम का शेप इस वाटर को मिल गया, बराबर है. इसको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता. अगर मैं ये वाटर को ग्लास में भरूंगी तो इसको ग्लास का शेप आएगा. अगर मैं ये वाटर पॉट में भर इस प्लेट में डिश में डालूंगी तो इसमें इस डिश का शेप इसको आ जाएगा. अगर मैं इस वाटर को इस पॉट में अगर मैंने फिलअप किया तो इस वाटर को इस पॉट का शेप आ जाएगा. ओके, अभी देखिए मैंने इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, देखिए लिसन, तो इसको इसका पूरा शेप आ गया, बराबर है ना. तो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट होते हैं दे कैन स्पेसिफिक शेप. ओके, ये होते हैं थ्री स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो टुडे वी स्टडीड इट एट द थ्री स्टेट ऑफ द वाटर. वाटर के तीन स्टेट कौन से? देखिए, वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है. ओके, यहाँ पे आपको मैंने एक्सपेरिमेंट आपको घर पे भी करना है. हर एक स्टूडेंट के घर पे आए हो, आपके घर पे फ्रिज होगा ही, प्लेस अ फ्यू उसके अंदर आपके इसमें फ्रिज में आइस ट्रे होगा, उसके अंदर आइस ट्रे में आप आइस बनाइए, फ्रिज में रख दीजिए ट्रे को, दो घंटे बाद निकालिए, उसके अंदर छोटे छोटे आपको आइस क्यूब दिखेंगे. ओके, एक ग्लास टेक द ग्लास ऑफ ग्लास का एक ग्लास लीजिए और उसके अंदर वो आइस क्यूब डालिए. अभी देखिए ये जो आइस क्यूब है इनको पर्टिकुलर शेप होता है, वो हम लोग उसको कैरी कर सकते हैं, इधर से उधर कहीं पर भी लेके जा सकते हैं. किसी के घर का आइस ट्रे रेक्टेंगल शेप का होगा तो उनके घर पे आइस क्यूब रेक्टेंगल शेप का बने, किसी के घर में ओवल शेप है, किसी के घर में हाफ राउंड है, एज यूजल किसी के पेंटागॉन है, किसी के घर में घर पे हेक्सागॉन का आता है आइस ट्रे. तो जैसे भी आपके घर में है, अगर नहीं आइस ट्रे तो डोंट माइंड, छोटे छोटे बाउल्स आपके घर में, कटोरी होंगी, डिश होंगी, उसके अंदर वाटर रखिए फ्रिज में, अपने आप वो ये हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, फ्रीज हो जाएगा वो वाटर. ओके,
तो उसी आइस क्यूब को आप कांच के ग्लास में डालिए. ओके, आफ्टर अ सम टाइम व्हेन यू वॉच आफ्टर अ 30 मिनट, 30 मिनट या 25 मिनट के बाद में आप देखेंगे ऑल दिस वाटर आर मेल्टिंग इन टू द दे आर ऑल द मेल्ट दे कन्वर्टेड इन टू द वाटर. देखो आइस जो था वो सॉलिड स्टेट में आया, अभी ये आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में. वाटर जो है वो है लिक्विड फॉर्म में. ओके गाइस, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में. देखो यहाँ पे हमने दो स्टेट देखी, फर्स्ट इज अ सॉलिड एंड देन आफ्टर लिक्विड स्टेट. ओके, अभी हमको बची हुई हमारी थर्ड वाली स्टेप, वो है गैस स्टेट. तो वाटर जो है वो गैस स्टेट में भी कन्वर्ट होता. हाउ इट बी पॉसिबल, नाउ आई एक्सप्लेन इट. यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया है गाइस, आप घर पे भी कर सकते हैं या घर पे आप आपके एल्डर्स के सुपरविजन में ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, या फिर आपकी मम्मी के ऑब्जर्वेशन में अगर आप करेंगे तो दैट मस्ट बेटर. ओके, दिस इज द एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ द अडल्ट एंड अंडर हिज द सुपरविजन. मैंने आपको पहले ही बोला कि बड़ों के ऑब्जर्वेशन में कीजिए. हीट सम वाटर ऑन द बर्नर. देखिए अभी जस्ट कोल्ड सीजन स्टार्टेड नाउ, दो दिन से थोड़ा ठंडी महसूस हो रही है. तो अभी तक हाँ, आप सभी आई होप कोल्ड वाटर से ही बात करते होंगे, लेकिन अभी हम लोगों को हॉट वाटर की ज़रूरत है, बराबर है, नहाने के लिए. तो मम्मी तो ये प्रैक्टिकल मम्मी को तो पता ही है, आपने भी कभी ऑब्जर्व मतलब देखा होगा लेकिन उसको सीरियसली ऑब्जर्व नहीं किया होगा. तो अभी आप कल कीजिए. ओके, एक पॉट लीजिए या फिर सास एक पतीला जो रहता है यूटेंसिल्स उसको लीजिए, उसको पूरा भर के उसके अंदर वाटर रखिए और उसको गैस पे रखिए. देन आफ्टर यू लाइट द गैस, गैस को ऑन कीजिए. यू वेट ओनली फॉर 10 मिनट्स. आफ्टर 10 मिनट वी सी दैट द वाटर इज बॉइल्ड. ओके, एंड सम वेपर्स आर टू गोइंग अवे टू द अपसाइड, उसमें से भाफ निकलती हुई आपको देखेंगे. दिस जो भाफ रहती है इट्स अ वेपर. वाटर जो है वो अभी कन्वर्ट हो गया है गैस स्टेट में. ओके, जो भाफ निकल रही है इट्स मीन्स अ वेपर, वो हो गया गैस स्टेट में. ओके, तो ये जो वाटर की जो गैस स्टेट में है, आप इस अगर समझो उस पॉट पे अगर आपने कोई डिश उसके ऊपर कोई लेड रखा, ढक्कन रखा, तो यही वेपर जो है उस पॉट्स को कंडेंसेशन होकर वापस ये जो वेपर है पानी में वापस वाटर में कन्वर्ट होती है. ओके, यूजिंग द टोंग्स एंड होल्ड इज द स्टील प्लेट इन द स्टीम कमिंग फ्रॉम द वाटर ओनली फॉर अ फ्यू अ मोमेंट एंड रिमूव इट. व्हाट डू यू सी ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्लेट? ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर हैव फॉर्म ऑन इट. उस प्लेट के ऊपर आपको ड्रॉपलेट बूंदे बूंदे दिखेंगी. वो जो बूंदे है वो कन्वर्ट किससे बनी, किससे मेडअप हुई? इट्स अ वेपर, वाटर वेपर कन्वर्टेड दैट द ड्रॉपलेट. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? वेयर डिड द दिस ड्रॉपलेट केम फ्रॉम? ये कहाँ से आती? ये जो ड्रॉपलेट आए दोज ड्रॉपलेट केम फ्रॉम द वाटर वेपर. ओके, पानी की भाप जो बनी उसी से ही ये ड्रॉपलेट बनी. ओके गाइज, ओके. व्हेन द वाटर बिकम इज वेरी कोल्ड इट्स द फ्रीजन. जब पानी को हम लोग कोल्ड करते हैं तो वो फ्रीज मीन्स वो आइस में कन्वर्ट होता है. ओके, दिस इज इज टर्न इन टू द आइस व्हेन द आइस इज लेफ्ट अनकवर्ड. जब हम लोग बर्फ को बाहर रखते अनकवर्ड में रखते इट गेट्स द हीट फ्रॉम एंड द एयर ड्राउन इट, तो वो पानी में कन्वर्ट होता है. एंड जब हम लोग वाटर को हीट में देते उसको हीट देते हैं तो दे कन्वर्ट इट इन टू द एयर इन द वाटर फॉर्म. ओके, इट स्मेल दैट इज द फॉर्म ऑफ वाटर. व्हेन द वाटर गेट द थ्रू द हीट इट टर्न इन टू द वेपर. ओके, समझ में आया गाइज आपको? यहाँ पे तीनों स्टेट हमको मिली, आइस सॉलिड स्टेट में मिला, वाटर लिक्विड स्टेट में मिला, एंड वेपर हमको गैस स्टेट में मिली. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आपको समझ में आई होंगी ये बात. द बॉइलिंग वाटर इज एन द एक्सपेरिमेंट टर्न इन टू द वेपर. जब पानी उबलता है, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा पानी उबलने का, तो वाटर जो है वो टर्न हुआ वाटर वेपर में. दैट इज व्हाई द वाटर इज न बारकर वॉज रिड्यूस. और जब पानी की वाफ होना शुरू होती है तो जो पूरा यूटेंसिल पूरा पॉट भर के हमने जो वाटर रखा था वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में उसके अंदर का जो वाटर है वो कम कम होता, उसकी वाटर की जो लेवल होती वो हमको डिक्रीज होते हुए दिखती. ओके, एज अ स्टीम कूल इट द टर्न इन टू द वाटर द प्लेट हेल्ड इन द स्टीम्स वॉज कूल.
जब हम लोग स्टीम को कूल करते हैं तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट होता है ड्रॉपलेट के जरिए. द प्लेट होल्ड इन द स्टीम वॉज कूल सो द स्टीम दैट कलेक्टेड ऑन इज द अंडर साइड ऑफ द कूल डाउन द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर वेयर फ्रॉम. तो वही वाटर जो है वो वापस ड्रॉपलेट के जरिए वाटर में कन्वर्ट होके वो जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होके हमको रिमेन मिलती है. ओके गाइस, नाउ यहाँ पे हमको दो न्यू टर्म्स मिले. एक है स्टेट, जो आज आपने फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में आपने सिर्फ सुना होगा लेकिन उसके बारे में आपने डिटेल में जानकारी नहीं, आपको नॉलेज नहीं मिला होगा, जो आज आपको यहाँ पे इस मोर अबाउट ऑफ वाटर में मिल गया गाइज. ओके, देन आफ्टर वाटर वेपर. वाटर वेपर जो है ये तो आपका फैमिलियर वर्ड है और आपने कितनी बार घर में भी उसके बारे में सुना होगा या कितनी बार बोला भी होगा कि बेटा वेपर उसकी बहुत हॉट होती है, हाथ जल जाएगा वगैरह. तो वाटर वेपर मीन्स द फॉर्म्स इन विच वाटर इज हेल्ड इन द एयर. ओके स्टूडेंट, द वाटर वी यूज एवरी डे इट इज द लिक्विड स्टेट. देखिए हम डेली लाइफ में ज़्यादा वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म का ही यूज़ करते. सुबह के उठने से लेके रात के सोने तक हमारे लाइफ में वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. विदाउट वाटर वी कान डू एनी टास्क. बिना पानी के हम हमारे लाइफ का कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते. ओके, सो वाटर इज अ वेरी इम्पोर्टेंट. आइस इज अ सॉलिड फॉर्म. वेपर इज द स्टेट ऑफ द वाटर इन विच इज द गैस फॉर्म एंड वाटर वेपर इज सॉरी हाँ एंड द वाटर वेपर इज अ गैसेस स्टेट ऑफ द वाटर. देखिए वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में हुआ, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में हुआ और वाटर वेपर जो है वो गैस फॉर्म में हुई. ओके गाइस, सो हमने इस लेसन में ये भी पढ़ा कि वाटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. ओके, सो नाउ ट्राई दिस, हैव अ सम फन. टेक अ ग्लास, वीप इट द ड्राई इनसाइड एंड आउटसाइड विद द क्लीन पीस ऑफ द ग्लास. एक ग्लास लीजिए, उसको अंदर से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, पूरा ड्राई कर लीजिए और बाहर से भी उसको बहुत अच्छे से क्लीन अप कर लीजिए. एंड टेक द 5 or 6 आइस क्यूब इन द ग्लास. और उस ग्लास के अंदर 5 या 6 आइस क्यूब के जो पीसेस है वो डाल दीजिए. ओके, व्हाट डू यू सी इन इट इज नो सरप्राइज इन इफ द ग्लास बिकम वेट ऑन द इनसाइड, बट यू सी दैट द आउटसाइड ऑफ द ग्लास हैज ऑल्सो बिकम द मोस्टी इजंट दैट अ स्ट्रेट. देखिए आपको थोड़ी समय के बाद में अगर खास करके अगर आपने स्टील का ग्लास लिया, कोई मेटल का ग्लास लिया, तो ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मच बेटर होगा. कुछ समय के बाद में आउटर साइड ऑफ द ग्लास आपको, जिसमें हमारे लैंग्वेज में हम बोलते पसीना स्वेप्ट आ गया ग्लास को, अगर उसके अंदर आइस क्यूब रहा तो पूरा बाहर से वो गीला हो जाता है, उसके ऊपर थोड़े से ऐसे ड्रॉपलेट जैसे वाटर के हमको दिखाई देते हैं. ओके, तो इट्स जस्ट दैट्स अ स्ट्रेन. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है कि ग्लास के अंदर आइस क्यूब डालने से ग्लास के अंदर का इनसाइड ऑफ द ग्लास देयर टेम्परेचर इज अ लो, वहाँ का टेम्परेचर है वो लो हो जाता. बट आउटसाइड ऑफ द ग्लास, जब ग्लास की बाहर की जो परत आती है, बाहर के साइड के ग्लास जो है, बाहर का क्लाइमेट उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है. अंदर और बाहर, बाहर का एक अंदर से एकदम कम टेम्परेचर, ग्लास के अंदर आइस क्यूब डालने से एकदम कम टेम्परेचर और आउटसाइड ऑफ द ग्लास द टेम्परेचर इज मोर देन द कंपेयर टू इनसाइड. तो इसीलिए एकदम से अंदर ठंडा, एकदम बाहर से एकदम उसका हीट, तो अपोजिट टेम्परेचर होने से तो वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है और वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ग्लास हमको बाहर से पूरा गीला दिखता है. द एयर अराउंड ऑफ द ग्लास कंटेनर वाटर वेपर. व्हेन वी पुट द आइस क्यूब इन द ग्लास बिकम द कोल्ड. दैट्स मेक द एयर अराउंड द ग्लास इज कोल्ड टू. द वाटर वेपर इन द एयर ऑल्सो कूल एंड फॉर्म वेरी टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर. दैट्स मेक द ग्लास इज मोस्टी. इसी वजह से वो ग्लास जो है पूरा मोस्टी हो जाता, गीला हो जाता. ओके, देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट आपको सबको करना है गाइज. ओके, और आपको आपका जो प्रोजेक्ट है साइंस का वो
यही प्रोजेक्ट है आपको, ये पूरे डायग्राम ऐसे पूरी बनानी है और ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है आपको आपके प्रोजेक्ट बुक में नोट डाउन करना है, ओके, और मुझे सेंड करना है, ओके गाइज। नाउ नेक्स्ट, ओके, ट्राई दिस, ओके, दिस शुड ओनली बी डन अंडर द अडल्ट सुपरविजन। ये भी प्रैक्टिकल आपको आपके बड़ों के साथ ही करना है, ओके गाइज। वेन द चपाती, जब मम्मी खाना बनाती है, यू हैव बीन मेड द ग्रिडल इन द स्टील वेरी हॉट, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन इट, दैट डू, व्हाट डू यू सी। देखिए जब मम्मी खाना बनाती है, मम्मी पर्टिकुलर जब रोटी बनाती है, अगर समझो सपोज फर्स्ट रोटी है, तो मम्मी उसके ऊपर एक मेटल का पैन रखती है जिसके ऊपर रोटी बनती है, जिसके लिए हम हमारे लैंग्वेज में, महाराष्ट्र में हमारे उसको, हम लोग उसको तवा बोलते हैं, ओके। तो मम्मी वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या वाटर के थोड़ा सा ड्रॉपलेट ऐसे स्प्रिंकल करती है, तो एकदम से उसके अंदर से ऐसे आवाज़ साउंड करता है, ओके। द ड्रॉप्स ऑफ द स्प्रिंकल ऑन द ग्रिडल बिकम द राउंड लाइक द बुप्स एंड डिसअपीयर इवन एज यू वॉच। तो वो एकदम से गोल में जैसे डालते हैं हम लोग उसको स्प्रिंकल, तो एकदम बॉल के जैसे ये होकर वो वेपर होकर फिर डिसअपीयर हो जाते। तो व्हाट डिज दिस टेल अस, तो ये ऐसा क्यों होता है। द ग्रिडल इज़ वेरी हॉट, जो पैन रहता वो बहुत गर्म रहता। द हीट फ्रॉम द ग्रिडल चेंज द वाटर इन टू द वाटर वेपर ऑल दैट टाइम, तो उसके अंदर जब भी हम लोग वाटर डालते तो वो ग्रिडल जो है ज़्यादा हीट की वजह से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट करता, ओके गाइज। So that experiment when we are doing, so you always help to your elders, okay? Use your brain power. Why do wet cloths on the cloth line become dry after something? ये तो मम्मा का रोज का टास्क है, रोज मम्मा कपड़े वॉश करती है। अच्छा अभी फिलहाल हम लोग सब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लॉकडाउन शुरू है, अनलॉक हो भी गया, लेकिन हमारे स्कूल अभी भी बंद है, ओके। तो इस टास्क के लिए आप, आई होप आप भी आपके मम्मा को हेल्प करते होंगे कपड़े सुखाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि समझो मम्मा ने 9 बजे अगर कपड़े वॉश करके उसको क्लॉथ लाइन पर डाल दी सुखाने के लिए, आफ्टर 2 आवर वेन वी टच दैट द क्लॉथ वी फील द ड्राई इट ऑल दी क्लॉथ, तो आपको सभी क्लॉथ जो है सूखे हुए दिखते। ऐसा क्यों, ओके, ये क्लॉथ क्यों सूखते हैं, बिकॉज ऑफ द सन लाइट द वाटर कन्वर्टेड इन टू द वेपर एंड दैट वेपर डिजॉल्व इन टू द एयर। जो पानी गीला, कपड़े जो गीले होते हैं जिसके अंदर पूरा वाटर होता है, सनलाइट की द्वारा वो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होकर डिसअपीयर हो जाता है एयर में, और इसी वजह से हमारे जो क्लॉथ्स है, ये जो हमारे कपड़े हैं, ये पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं और हम उसको फिर बाद में पहन भी सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे बताया है, टेक द वाटर ग्लास, एक ग्लास भर पानी लीजिए, एड अ पिंच ऑफ द सॉल्ट टू द वाटर। एक तो सॉल्ट लीजिए या फिर शुगर भी ले सकते, स्टीर कर एक चिमुट चिमटी भर, पिंच का मतलब है एक चिमुट भर, उसके अंदर नमक डालिए, देन आफ्टर स्टीर इट, स्टीर का मतलब है चम्मच से उसको घुमाना, ओके। तो आपको उसको घुमाना है, एंड व्हाट डू यू सी, When we see that after some time all the salt are dissolved into the water, okay? आप जब देखते हैं तो नमक जो है वो गायब, disappear मतलब हो जाता है, मतलब that salt is dissolved into the water, okay? When you taste that water, that taste is salty, okay? Do you not see the salt in the water anymore? With the spoon, place a drop of this the water on the tongue. जब हम लोग उसकी टेस्ट करते हैं तो आपको उसकी टेस्ट सॉल्टी फील होती है, ओके। व्हाट डज दिस द टेल अस, द वाटर वॉज सॉल्टी, वो पानी जो है टोटली सॉल्टी हो जाता है, जो वाटर जो है बिकम अ सॉल्टी। इट्स मीन दैट द सॉल्ट इन इज स्टिल देयर इन द वाटर थ्रू वी कांट सी, इन द अदर वर्ड द सॉल्ट हैज़ डिजॉल्व इन द वाटर।
वो जो नमक है पानी के अंदर टोटली डिजॉल्व हो गया है और दैट्स व्हाई देयर टेस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी. ओके, सम सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर. देखिए स्टूडेंट, वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं तो उससे नियर अबाउट 90% ऑफ द चीज़ें जो है वो वाटर में डिजॉल्व होती है. ओके, नियर अबाउट. इसीलिए वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट सब्सटेंस है जो अपने अंदर सभी नेचर की मैक्सिमम चीज़ें अपने अंदर समा लेता है. ओके, सो यूज योर ब्रेन पावर. सम सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर, नेम सम ऑफ देम. कौन कौन सी चीज़ें वाटर में डिजॉल्व होती है गाइस, टेल मी. हाँ बोलिए. फर्स्ट, यस, शुगर. सॉल्ट ऑफ ऑलरेडी आपने पढ़ा, फर्स्ट होता है शुगर. शुगर जो है वो वाटर में पूरा डिजॉल्व होता है. देन आफ्टर लेमन जूस. लेमन जूस जो है वो भी वाटर में डिजॉल्व होता है. और बताइए, सॉइल. सॉइल जो होती है सॉफ्ट सॉइल, वो भी वाटर में डिजॉल्व होती है. देन आफ्टर वाटर कलर. आपके जो कलर होते हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं. ओके, मैंने आपको फोर बताए हैं. आप मुझे मैक्सिमम 10 चीज़ें ऐसी बतानी है जो वाटर में डिजॉल्व होती है. ओके, यू फिल अप इन योर नोटबुक एंड सेंड मी. ओके गाइस, ओके. डू यू नो वाटर हैज़ बीन अ फ्रिजन टू मेक द आइस. इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, वाटर को फ्रिजन करने के बाद में आइस में कन्वर्ट होता है. मेनी पीपल हैव द रेफ्रिजरेटर इन विच द आइस कैन बी मेड. बहुत सारे लोग जो है रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का यूज़ करते हैं आइस बनाने के लिए. फैक्ट्री में आइस जो है वो लार्ज क्वांटिटी में बहुत बड़े, जिसको हम लोग लादी या लगदा बोलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े, खास करके समर सीजन में जब हम लोग आइस गोला खाने जाते हैं तो आप देखते हैं ना वो स्पेशल उस इसके नीचे से रेक्टेंगल शेप का, नॉट अ रेक्टेंगल बट बॉक्स शेप का जो रहता है, क्यूबिक क्यूब या क्यूबॉइड शेप का जो आइस रहता वो लगाकर उससे आइस गोले बनाता है. ओके, आइस कैंडी और आइस फ्रूट इज मेड बाय द फ्रीजिंग वाटर इन विच शुगर फ्रूट जूस एंड द कलर. जब हम लोग आइस कैंडी खाते हैं उसके अंदर शुगर और कलर जो रहता है वो मिक्स किया रहता है और उसके जरिए ही उसको फ्रिज में रखा जाता है. ओके, व्हाट डू यू लर्न, वाटर हैज अ नो वाटर. इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, वाटर को कोई भी कलर नहीं है. जैसे ये ब्लैक कलर का दुपट्टा है. ओके, देन आफ्टर इट्स अ ब्लू कोप, तो इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ रेड टूथपेस्ट, तो जिस तरह से इन ऑब्जेक्ट को कलर है वैसे वाटर को कोई भी कलर नहीं रहता, जो प्योर वाटर होता है. देन आफ्टर उसको स्मेल नहीं आती, उसको टेस्ट नहीं है. वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट. ओके, तो ये जो प्योर वाटर की क्वालिटीज़ है. देन आफ्टर हमने वाटर के बारे में और क्या पढ़ा इस लेसन में, वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. वाटर को खुद का ओन शेप नहीं है. ओके, बाकी जिस तरह से ऑब्जेक्ट को होते हैं उसी तरह से जितने भी लिक्विड फॉर्म है उनको खुद का शेप नहीं होता. जो भी यूटेंसिल्स में हम डालते, मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिकल करके बताया, जिस पॉट में हमने रखा उस पॉट का उसको शेप आ जाता. ओके, देन आफ्टर वाटर स्प्रेड ऑन द फ्लैट सर्फेस. अगर गलती से एक आधा ग्लास पानी हमसे नीचे गिर गया तो पूरे फर्श पर वो फैल जाता, मतलब दैट्स द फ्लो डाउन. वाटर इज अ फाउंड इन थ्री स्टेट. वाटर जो है वो तीन स्टेट में पाया जाता. फर्स्ट इज अ आइस, देन आफ्टर लिक्विड फॉर्म. ओके, एंड देन आफ्टर लिक्विड फॉर्म में वाटर पाया जाता, देन आफ्टर गैसेस इन वाटर वेपर. ओके, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में सेवरल सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर. वाटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो डिजॉल्व हो जाती है गाइस. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, वी नो दैट अ लिक्विड वाटर हैज़ मैनी यूजेस. आपको पता है जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में उसके बहुत सारे यूजेस है. हम लोग ड्रिंक के लिए उसको यूज़ करते,
हम लोग हमारे यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए यूज़ करते, हम लोग हमारे कपड़े जो है उसको वॉश करने के लिए यूज़ करते, एग्रीकल्चर लोग जो है वो खेत में फार्मिंग करने के लिए यूज़ करते, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहाँ पे फैक्ट्रीज में जो भी चीज़ें बनानी चाहिए बनाने के लिए उसकी वाटर की ज़रूरत है, केमिकल्स बनाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरीज को चलाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सो वाटर इज़ वेरी यूजफुल, इट्स अवर बेसिक नीड। सो द सॉलिड आइस एंड द गैसेस वाटर वेपर आर ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वे। लिक्विड फॉर्म का वाटर जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में हम लोग यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो सॉलिड और गैसेस फॉर्म में, मतलब जो आइस और वाटर वेपर है वो हम नहीं यूज़ करते, वो भी करते हैं, लेकिन कंपेयर टू दैट स्टेट वी यूज़ इन अ लिक्विड फॉर्म द वाटर मोर दैन। ओके, हम लोग लिक्विड फॉर्म का जो वाटर है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट लेसन। टुडे वी फिनिश दैट लेसन। ओके, आवर 10 लेसन मोर अबाउट ऑफ द वाटर, हमारा आज पूरा एक्सप्लेन करना हो गया। नेक्स्ट पीरियड आई गिवन टू द एक्सरसाइज। ओके गाइस, सो रीड दिस लेसन एंड लर्न द न्यू टर्म्स वर्ड, जो नए वर्ड न्यू वर्ड आए हैं इस लेसन में उसको अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे।